मैडम भाई, आपको महीने में कितनी सैलरी मिलती है बीजेपी की तरफ से? हाँ, सर तकरीबन 10 लाख रुपया। तो ये सब काम आप क्यों कर रहे हो? आपका मजहब सर सिखाता है दूसरे अभी मजहब आपने से बता नीचा दिया, अभी दिखाना अभी आपने अभी आपने पूछा कि मुझे यार। बीजेपी लाला कितनी जी, सैलरी लाला देता जी, है। फैज यार फैज एक सेकंड, झूठ फैज क्या रुक बोले जाओ। आपका सर मजहब जो फैज, आपका उनको यही दीन चाहिए, मजहब है उनको आपको ये झूठ चाहिए ना सिखाता है यार। कि तो दूसरे झूठ मजहब को आप नीचा दिखाओ ऑनलाइन ना, प्लेटफॉर्म पे? मैं आपको हाँ बता देता हूँ भाई, 10 लाख तो मुझे मिलता है। एडम भाई का तो ज्यादा है यार, मैं तो इससे तुमसे तोहिन बात ही ना नहीं कर करें। रहा सिर्फ हूँ, मैं तो एडम से दस बात कर लाख रहा हूँ, यार, तो इतना अपना मुंह बंद छोटा कर दो। अमाउंट यार, आपने तो बेइज्जती मैं तो कर दी तुमसे लाला बोल जी ही नहीं रहा की। हूँ ना, 10 लाख मैं तो तो तुमसे भाई बोला मुझे ही ही नहीं। मिलता अरे है। मैं तो तुमसे हाँ, बोला ही नहीं, तुम्हारे अच्छा जैसे मुझसे ही कस्टमर बात को करोगे? बीजेपी अच्छा, को मिलता ही नहीं। एडम भाई को ना मैं बता देता हूँ आपको। एडम भाई को ना बीजेपी से भी बड़ी संस्था जो है इल्लुमिनाटी, वो पैसे भेजती है। इल्यूमिनाटी क्या ज्वाइन ओ करेंगे? इल्यूमिनाटी तो इनके जीसस को मारने के लिए एंटी क्राइस्ट तैयार कर रही है, इल्यूमिनाटी ये क्या ज्वाइन करेंगे? चल ठीक हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताइए कि आप रमजान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या मजीद कोई सवाल है आपका? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका मजहब क्या दूसरे मजहब को नीचा दिखाना सिखाता है? नहीं, तो आप ये सब काम क्यों कर रहे हो भाई? वो आपको इतना इसलिए कि इल्म है मेरा तो आप अब वही इल्म को सही मैं चीज में यूज आपको, करो। अब आपने सवाल के जवाब दे दूं। मेरा मजहब ये सिखाता है कि जो गलत है उसको एक्सपोज करो। तो गलत तो ऐसे और रिलीजन्स में भी हो रहा है ना, पेगनिज्म में मुझे ले लो, उनके बारे में, हिंदुज्म ले लो, मुझे और भी उसके बारे में रिलीजन्स पता ले नहीं है लो, ना, मुझे उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं कभी आपको हिंदू नहीं मालूम रहा। सब है, लेकिन आप सुपर चैट के देखें, लिए आप ये सब करते हो। ओके सुपर चैट के लिए करता हूँ, बेहतरीन हो गया। दूसरा इल्जाम आ गया, पहले बीजेपी आया था, अब सुपर चैट आ गया। ओके लिसन टू ये मी वेरी इल्जाम कैरफुली। नहीं है, ये दुनिया देख रही है कि आप दूसरे मजाहिब को नीचा दिखा रहे हो। बेहतरीन हो गया, डोंट वरी। नाउ लेट मी आंसर दैट बिफोर यू से एनीथिंग फर्दर, इज दैट फेयर इनफ? ओके यस देखिए, फिर मैं एक्स मुस्लिम हूँ और मैंने इस्लाम को पढ़ा, सारी दुनिया जानती है। हिंदुइज्म को मैंने पढ़ा नहीं है। मैंने अभी तक एक किताब मेरे पास आई थी उसकी, क्या नाम है उसका, महाभारत की, लेकिन उसकी इंग्लिश में भी इतने हिंदी के लफ्ज थे कि मेरे को समझ नहीं आई क्या हो रहा है, और लिहाजा मैंने उसको छोड़ दिया। ओके। मैंने एक अपने दोस्त को कहा था कि मेरे को महाभारत कोई आसान इंग्लिश में भेज दो, मैं कुछ पढ़ लूँ उसको। मैं पढ़ना चाह रहा था कि वो लड़ाई किस बेस पे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे चंद एक बातें बताई थी, लेकिन मैं उसको वेरीफाई करना चाह रहा था। अभी तक मेरे पास कोई आसान इंग्लिश वाली महाभारत नहीं आई। हाँ, आप ठीक कह लेकिन रहे हो, लेकिन एक लेकिन अगर सेकेंड, उसमें गलत भी एक लिखा है तो सेकेंड, मैं मेरी बात खत्म नहीं हुई। ओके ओके बोलो। नाउ अनलेस और अनटिल आई स्टडी द स्क्रिप्चर, मैं स्क्रिप्चर से बाहर बैठ के बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ, मैंने कभी मोमिन के ऊपर तोहमत नहीं लगाई, मैंने कभी मुसलमान के ऊपर तोहमत नहीं लगाई, मैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर बात करता हूँ। कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, तफसीर में क्या लिखा है। अगर मैं वो करता हूँ तो मुझे हिंदू के साथ भी वही करना है जब मैं उनकी ये कुतब पढ़ लूंगा। उससे पहले मेरा बोलना एक बकवास और बेजरूरत बात होगी। लिहाजा कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान क्यों हैं? मैं मुसलमान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इसमें पीस मिलता है अपने रिलीजन में, मुझे शांति मिलती है, मैं इबादत करता बेहतरीन। हूँ, शांति मिलती है। आपको जो शांति मिलती है वो इस वजह से मिलती है क्योंकि इस दीन ने कहा है कि तमाम लोगों के साथ जिहाद करो। फिर वही बात, मैं झूठ बोल रहा हूं, बताइए। आपके अंदर सिर्फ नफरत है, ये नफरत आपको कभी सुकून नहीं देगी जिंदगी में। सर वो छोड़ दे, मेरी नफरत है नहीं है, आपके मोहम्मद साहब ने हदीसों में क्या कहा है और आपके मोहम्मद साहब ने कुरान में क्या लिखवाया है वो आप मुझे बता दें। अगर आप सच्चे हुए, ठीक है, और इस्लाम में पीस हुआ तो मैं आपके इस्लाम के पीस को मान लेता हूँ। अभी सिंपल सी बात है, ये देखिए, आपके मोहम्मद साहब कहते हैं सही हदीस के अंदर कि जो कोई मर जाए लड़ाई के बारे में सोचे बगैर या लड़ाई किए बगैर, तो सर आपकी दुकान ही वो ग्रेट मुसलमानों से कैथलिक चल में रही है, पड़ा। मुसलमान ज्वाइन करता है हिंदू सुपर चैट देता है, आपकी दुकान ही ऐसे चल रही है। सर अभी तक आप आए हैं, मुझे तो एक भी हिंदू ने सुपर चैट नहीं दिया, बहुत बुरी बात है। हिंदू लोगों, आप मुसलमान अरे की मुझे प्रॉफेसी को सब पूरा नहीं मालूम कर है, रहे। आपका जो प्रोपेगेंडा है, दीन ए मुर्तद चैनल, एक्स मुस्लिम साहिल, एक्स मुस्लिम समीर, ये सब प्रोपेगेंडा मुझे मालूम है। आप जैसे लोग रोज मिलते हैं इंडिया में, ठीक तो सर है, हमें रोज गलत मिलते साबित करें ना सर। देखिए मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने आपको, आपने कहा हैं। पीस, मैंने आपको दिखा दिया पीस तो नहीं है मैंने इस्लाम मैंने के अंदर। कहा तो ना, जैसे 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 और लोगों को एक्सपोज किया गया यूट्यूब पे, आपके जैसे आप भी एक दिन एक्सपोज हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतने ही एक्सपोज, सच्चे अच्छा हो तो एक आप अपना सेकेंड, फेस क्यों नहीं एक्स दिखाते हो? हाँ एक्सपोज में आपका मतलब ये है कि आप लोग मुझे बता दोगे कि मैं
कौन हूँ इन रियलिटी, आप मेरी अपना फेस शक्ल क्या दिखा है? दे, अगर आप सच्चे हो, अगर आप नहीं आप अपने खुदा में मानते हो तो अपना फेस दिखा दो, सर देखें, अगर आपका खुदा सच्चा है तो अपना फेस दिखा दो। सर ये देखें, मेरा खुदा सच्चा कैसे साबित हो जाएगा मेरे फेस दिखाने से? अगर हो जाता तो मैं दिखा अपना देता ही। आप फेस दिखा दो, क्योंकि एक ट्रू क्रिश्चियन तो फियरलेस होता है। अगर आप फियरलेस हो तो अपना फेस दिखा दो, अगर आप सच्चे हो। नहीं, आपने बाइबल में कहां पढ़ा है कि ट्रू क्रिश्चियन फियरलेस होता है? तो क्या मैं उसको डरपोक बोल सकता हूँ, फट्टू कि बोल आप सकता कहां हूँ? पे कह सकते हैं कि ट्रू क्रिश्चियन डरपोक होता है? तो आप डरपोक नहीं हो तो आप अपना फेस दिखा दो। दैट नाउ इज अ हियर इज द रैशनल थिंग, लॉजिकल पॉइंट। नो दैट्स नॉट द लॉजिकल पॉइंट, लेट मी आंसर यू दैट अगर आप लिसन करना चाहते हैं तो। ओके, देखिए बोलो। हमारी बाइबल ये कहती है कि हम्बल रहो डव की तरह। डव देखिए, डव बहुत हम्बल होती है, लेकिन हमारी बाइबल ये भी कहती है कि क्लेवर रहो एज ए सर्पेंट। क्यों? क्योंकि आपको मारने के लिए अगर कोई आना चाह रहा है और आप क्लेवर नहीं दिखाते तो आप अपने आप को खुदकुशी कर रहे हो। बहरहाल मोहम्मद ने कई दफा खुदकुशी करने की कोशिश की, दैट्स अ सेपरेट थिंग, लेकिन बेसिकली मैं खुदकुशी नहीं चाहता हूँ। लिहाजा मेरी बाइबल कहती है अपने आप को मत मारो, मेरी बाइबल कहती है कि चालाक रहो लेकिन हम्बल भी रहो। तो बेसिकली मैं अपने जो बाइबल है उसके अहकाम को पूरा कर रहा हूँ। मैं क्लेवर भी हूँ न डर भी हूँ, मैं स्क्रीन पे आता हूँ, दिखाता हूँ चीजें, दिखाता हूँ, आपके तो सामने रखता हूँ, आप निडर मेरी हो तो आप फेस अपना से। फेस दिखाने में क्यों डर रहे खालिद हो? खालिद 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 वेट वेट फॉर लेट वेट लेट मी फिनिश। सो मेरे फेस दिखाने से अगर ये साबित हो जाता है कि अल्लाह सच्चा है, या ये साबित हो जाता है कि बाइबल का खुदा सच्चा है, तो मैं फेस दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई चीज साबित नहीं हो सकती तो फिर मेरे फेस से जरूरत नहीं है, जो चीज मैं दिखा रहा हूँ उसकी जरूरत है। सो आपके अंदर खौफ है, ये मेरे अंदर खौफ खौफ जो है। है ना, क्योंकि आप गलत कर रहे हो इसलिए आपके अंदर खौफ है। नहीं, ये मैं नहीं गलत कर रहा हूँ, नहीं खौफ है, खौफ मेरे अंदर इस वजह से है। और वो खौफ किस वजह से है? क्योंकि आपका जो मोहम्मद था वो इतना बेगैरत शख्स था कि उसने कहा कि जो कोई मेरे दीन को छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। इसीलिए अबू बकर ने एक साल तक हरबे रदा की, टोटल जिसकी झूठ आप वजह से बोल हम रहे लोग हो, अपनी, मैं टोटल टोटल झूठ झूठ। बोल रहा हूँ? अच्छा हुएवर हुएवर एक अच्छा सेकंड एक सेकंड ये एक सेकंड एक सेकंड यार, मुझे प्रूफ करने दो इसको। मैं इससे क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? मन बदल दीन आप फक लू यजीद हो, मन यजीद बदल दीन, शट अप यजीद लिसन इब्न माविया हो आप। मैं ओके लिसन, मन बदल दीन हूँ फोक तो लू, जो अपना दीन छोड़े उसे कत्ल कर दो। मन बदल दीन हूँ फोक तो लू, जो अपना दीन छोड़े उसे कत्ल कर दो। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं? प्लीज पहले इसका जवाब दे दो। आप नफरत फैला रहे हो, आप ऐसी ओके नफरत की आग लगा रहे चलवाने हो जिसकी जलेबी वजह आपका से हुआ लोगों में हेटेड फैलेगी। जलेबी मियाँ, क्या कुरान में मुशरिकों अरे के मैं लिए तो तुमसे नॉन बात ही मुस्लिमों नहीं के कर लिए रहा ना नफरत? फैस चिलगोजे, फैस अपना फैस मुंह बंद फैस रखो फैस चिलगोजे, मैं तुमसे चलवाने नहीं जलेबी बात कर हुआ। रहा। ए शट अप, मैं तुम्हें अरे निकाल दूंगा तुम्हें, बदतमीजी, बदतमीजी की दोबारा। तो बदतमीजी फैस नहीं, हम फैस आपसे भाई अच्छे रुक से गए, बात कर रहे हैं ना खालिद सलमान भाई भाई। को बात करने दें, सलमान जलेबी को। जी हम कितना प्यार से मोहब्बत से बात कर रहे हैं आपसे, अरे प्यार आप से गुस्सा बात कर रहे क्यों हो हो तो रहे? फेस दिखा दो, फेस दिखाने में क्यों डर रहे हो? फेस फेस तो आपके, देखो मोहम्मद साहब ने भी अपना छापने के लिए मना किया था, आपके अल्लाह भी मोहम्मद तो ने तो फेस हमारे नहीं दिखाते पूरे हैं। दुनिया को दिखाया फेस अपना, अच्छा फेस, क्या अच्छे बात कर फेस भी रहे हो, उन्होंने एक दिखाया। तस्वीर दिखा दो मोहम्मद की, अभी मैं अपनी आज शक्ल दिखाया आज था। दिखा दो। कुरान आप है, तो कुरान आप पढ़ आपने लो, कुरान में जो लिखा है सब सही लिखा है, इंसानियत के लिए अपने लिखा है, मोहम्मद एक की भी शक्ल इंसानियत के अगेंस्ट दिखाओ, चीज नहीं लिखी। शक्ल दिखाओ मोहम्मद की। तुमने कहा था कि उसने शक्ल दिखाई है, शक्ल दिखाओ मोहम्मद की, मैं अभी इस्लाम कबूल भाई करता हूँ। तुम अपना फेस दिखा दो, अपना मैं फेस दिखा दिखा देता हूँ दो अगर ना, तुम मोहम्मद की सच्चे शक्ल हो। दिखाओ, मैं अपनी दिखा देता हूँ, अगर बात तुम खत्म हो। सच्चे हो तो अपना फेस दिखा दो। अच्छा मोहम्मद सच्चा तो मोहम्मद का फेस दिखा दो। अरे तुम्हारे दम नहीं है मोहम्मद ना फेस सच्चा दिखाने के, जिस दिन मैं दिखाओगे जानते मोहम्मद हो में तुम भी लोगों दम का नहीं क्या था। हाल होगा, क्या हाल होगा मोहम्मद तुम्हारा। में भी नहीं। आपने कहा जिस दिन शक्ल दिखाओगे उस दिन देखेंगे तुम्हारा क्या हाल होगा, क्या हाल होगा सर बताइए जरा प्लीज। दुनिया जान जाएगी कि तुम कितने बड़े मक्कार हो, झूठे हो, कितने बड़े शक्ल फरेब हो, दिखाने से तो पता फ्रॉडिया। नहीं लगेगा मैं कार है झूठा हूं, मुझे पता ये लग बताइए जाएगा, शक्ल दिखाने पता से लग मेरा जाएगा, हाल क्या होगा वो बताओ जरा प्लीज। तुम्हारी आइडेंटिटी अच्छा रिवील हो जाएगी, ये दुनिया जान जाएगी तुम कितने बड़े फ्रॉड जी हो। जी जी ओके चलिए, आइडेंटिटी रिवील ये होने से मेरे हाल क्या होगा वो बताइए पहले सर, वो बताइए। तुम्हारी तुम्हारी असलियत दुनिया जान जाएगी कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो, तुम ओके दूसरे लेकिन लोगों के सेंटिमेंट्स को फर्क हर्ट क्या करते हो, पड़ेगा तुम इंसानियत के अगेंस्ट हो, तुम हेट्रेड फैला रहे हो, तुम इतने गिरे उससे हुए इंसान फर्क हो। क्या पड़ेगा? हेटरेट तो मोहम्मद ने फैलाई जो आपको दिखा दी। मुझे बताएं मेरी शक्ल दिखाने से मेरा हाल क्या अरे होगा, वो सेंटेंस को बताएं, वो सेंटेंस तो बताएं मुझे। मोहम्मद को तो अरबों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको जमा कितने, यार मुझे 12,000 चिलगोजे फॉलो कर रहे हैं आपको सिर्फ। गालिब भाई आपका हुआ यार, अब इन्होंने वो अपनी बात बदल मैं दी। ये बोल रहा हूँ कि तब से सबकी शक्ल देखना चाह रहे हैं, पहले अपनी शक्ल तो दिखा दो यार नूरानी वाली। क्यों? अरे मैं क्यों दिखाऊं, मैं तो झूठा हूं ही नहीं। झूठे तो आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। बस यही सुनना था हम लोगों की भाई, शक्ल तो पूरी दुनिया देख रही है, हम लोग तो मुसलमान हैं, आप लोगों की बस शक्ल बस अपनी भी बस दिखा दो हम ना। लोग नहीं 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 ठीक है, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी।
तुम्हारी नूरानी खालिद शक्ल भाई देखो की दादी शक्ल देख, वाली। अपने दिखा दो, मैं दिखा दूंगा अपने, तुम अपना फेस अभी जितते हो सब ओपन करके मैं तो डरपोक खालिद भाई पे हूँ, डरते हो बात क्या में यार? चैलेंज दे रहा हूँ, एक तुम लोग अपना दिखा दो, मैं अपना दिखा दूंगा फेस। मिनट देखो, मैं तो बातिल पे हूँ, तुम भी बातिल पे हो, मैं हक पे हूँ, मैं बातिल पे हूँ ही हक नहीं, पे हो तो फिर डर क्यों रहे हो, दिखाओ शक्ल। तो तुम क्यों डर रहे हो ना? मैंने तुमसे कहा पहले तुम मैं तो दिखाओ। बातिल पे हूँ भाई, तुम भी बातिल पे हो। तुम अपनी मेरी बात मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? मैंने अपना फेस अरे दिखाओ, अभी डर क्यों रहे हो तुमसे तुम लोग? बंदूक की दुकान खोले बैठे थे कि तू डरते क्यों हो, हक पे हो तो सच्चे हो तो अभी अभी सारी दलीलें तुम्हारे ऊपर, अब अपनी शक्ल दिखाओ। तुम्हारी दुकान ही तब चलती है जब इसमें मुसलमान आते हैं, ठीक है? तुमको सुपर चैट तभी मिलता है। तुम लोग बहुत अरे बड़े घटिया गिरे हुए अरे इंसान हो, बहुत ही गिरे हुए। खालिद भाई शक्ल दिखाओ अरे यार, आपको देखने का मन अपनी हो रहा है। शक्ल दिखा अरे तू दो अपने दिखा देना नूरानी फैज बहन यार। आलम, तू अपने दिखा दे, मैं दिखा दूंगा मैं अपनी क्यों फेस। दिखाऊं यार? मैं भाई तेज बातिल पर हूं, मैं हक पर नहीं हूं, तेज हक पर आप तेज, हो। मैं तुम दिखा दो ना, अरे अगर अगर तेज अगर तुम सच्चे हो तो दिखा दो। नहीं, हम बातिल हैं भाई, आप हक पे हैं, आप अपनी शक्ल दिखाएं, हम आप बातिल हैं। ये देखो, मैं तो ये बोलूंगा खालिद डरपोक भाई कि डरपोक इंसान, अभी ये खौफ है ये तुम्हारे जिस अंदर, डर आर्मी है, दिलों बहादुर हो, में डर एक की आग मुसलमान लगी हुई भाई, है। ये जिस आप अरबी हम अल्लाह लोग की डर, बात करते ना खालिद भाई, क्या वो अरे खुद हक पर नहीं था? अरे यार क्या बात कर रहे हो, मैं दूसरे ये मजाक को लोग कुछ अपनी नहीं शक्ल बोलता, नहीं लेकिन दिखाते, तुम लोग ठीक जो हो दूसरों के है, मजाक को बोलते हो। ये पता अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तुम लोग बोले हशर जो है ना, मैं बता देता कुत्तों हूँ से भी ना। बदतर होगा जब तुम लोगों की मौत होगी। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि दरअसल क्या है ना कि इनकी शक्ल वायरल हुई होगी किसी मौलाना के साथ, और ये सोच रहे दिखाऊंगा तो ये लोग पहचान ना लें, वरना हक पे होने के बावजूद बंदा क्यों डर रहा है। ये मुझे भी यही एडम लग रहा सीकर कितने, एक लाख भेज दे भाई मेरी तरफ। तुरंत आपको आपको फोटो फोटो भेजता हूँ, फोन नंबर भी भेजता एक महीने की तक तुझे चंदा करना पड़ जाएगा भाई। हूँ। ओके यार, ये काफी टाइम वेस्ट कर रहा, लेकिन काफी हो गया। अच्छा जॉब तो है नहीं, जॉब होती तो ये काम। अच्छा अच्छा देखो लिसन लिसन, आप यहाँ पर आके बोल रहे थे पीस की बात, अब यहाँ पर आप ही नफरतें फैला रहे हमारे के। मतलब चेहरा दिखा दो फिर बंदा हम आपको बता अपनी देंगे शक्ल नहीं दिखा ये रहा बंदा। कितना प्यार करते हैं सनम, ये कौन सी बातें है यार भाई, समझ नहीं आता है। ओके बाय द वे, बात यह है कि जब तू मोहम्मद मरेगा। और उसके अल्लाह ने अपनी तस्वीरें नहीं दिखाई, शक्ल नहीं दिखाई, तो ये मोमिन हमें इस किस्म की टैटें क्यों कर मैं कह सकते हैं। बहरहाल अब बात यह है कि सर आप कुछ नहीं कह रहे थे, आपके पास कुछ भी नहीं है, लिटरली आपके पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास 2 टके मुझे की बहुत भी बुरा लग रहा नॉलेज होती, अगर आपके पास 2 टके की भी नॉलेज होती, इल्म होता, तो आप हमारी बात का रेफ्यूटेशन देते रादर देन कि शक्ल दिखाओ कि रट करते। आपने कहा कि इस्लाम अमन का दीन है, मैंने दिखाया कि हम जैसे लोग अपनी शक्ल इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि ये आपके कुरान अपनी हदीसें ये कहती हैं, ठीक है। आपका कुरान ये कहता है कि आप लोग इंडिया में क्यों इस्लाम के दीन दीन फैलाते हैं और अमन अमन फैलाते हैं, क्योंकि ये आपका दीन कहता है, कुरान कहता है। कुरान चैप्टर नंबर 47 की आयत नंबर 35 बोलती है कि ए मुसलमानों, ढीले ढाले ना पड़ो और सुलह और अमन की तरफ मत जाओ जब तुम लोग गालिब हो गए हो, वेन यू आर दी अपर मोस्ट। तो चूंकि इंडिया में आप लोग अपर मोस्ट नहीं हो, गालिब नहीं हो, गलबे में नहीं हो, इस वजह से आप लोग इंडिया में पीस पीस की रट लगाते हो। जैसे ही आप गालिब हो जाओगे, पीस की रट खत्म हो जाएगी। और मेरा ख्याल है कि इंडिया में साउथ में एक जगह है जहाँ पे आप लोगों की तादाद 33% के करीब हो गई है, 30-33% के करीब हो चुकी है, वहां पे आप जैसे लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं, और आपने यहाँ पे बातों बातों में सेंटेंस बोल दिया था, शक्ल दिखाओ तुम्हारा हशर क्या होगा हम बताएंगे, बाद में आप मुकरे क्यों, क्योंकि जैसे जो वो था ना ये वाई इस्लाम, उसको मौत पड़ी हुई थी कि उसके मुंह से गलत बात निकल गई थी। इंडिया में कानून ऐसा है कि आप लोग बोलते हुए आपको 10 मरतबा सोचना पड़ता है, इतनी सी बात है। पाकिस्तान में आप लोगों को सोचना नहीं पड़ता, पाकिस्तान में आप घरों को जला देते हो, पूरे के पूरे लोगों को हाथों से चाकुओं से कत्ल करके आग लगाई गई हुई है पाकिस्तान में। तो मेरे साथ ये वाली बकवास करते हो तुम, तुम्हें पता नहीं है गोजरा में क्या हुआ था, गोजरा का किस्सा भूल गए हो तुम, पाकिस्तान का कैसे पकड़ के छुरी चाकू से बच्चों तक को गर्दनें उड़ाई थी तुम लोगों ने, और फिर उनके घरों को आग लगाई थी अपने इसी दीन के नाम के ऊपर, और तुम यहां पे आके मुझे ये बोल रहे हो
गोजरा का किस्सा सिर्फ इंटरनेट पे लिखो, पाकिस्तान गोजरा, पूरी फैमिली को, उनकी औरतों को रेप करने के बाद, उनके बच्चों के सामने, उनके गर्दनों के ऊपर छुरियां फेरने के बाद तुमने आग लगाई घरों को। मुझे बोलते हैं ये लोग के गुस्से में क्यों आता है एडम, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इंडियन आ जाते हैं, हिंदू और नास्तिक मेरे पास आके कहते हैं एडम गुस्से में आ जाता है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। इंडिया में तुम लोग बैठे हो, तुम लोगों के पास, तुम लोगों को इल्म ही नहीं है कि ये जब ताकत में आते हैं तो ये लोग क्या करते हैं। जी भाइयों क्या कहना है आपने, सॉरी मैं जरा जज्बाती हो गया था। एडम मैं एक लिंक भेजा आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये अक्सर लोग आके फ्रॉड पैसा पैसा बोलते हैं, ये मैं अभी आपको ये जो प्राइवेट चैट में जो भेजा है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 25,000 करोड़ का कलेक्शन होता है इंडिया में जकात का, दवा के कलेक्शन होता है, और किधर जाता है वो, इन मुफ्ती मौलानाओं के जेब में। दुनिया भर का यहाँ पे फ्रॉड होता है जकात के नाम पर, दुनिया भर का फ्रॉड होता है, और किधर होता है फ्रॉड, ये पूरे पूरे जाते हैं इनके मुफ्तियों के, इनके मदरसों में जाते हैं इनके, और मदरसों में क्या क्या हरकतें करते हैं ये, दुनिया भर का फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे इंडिया में इस्लाम के नाम पर। अल फला बोल के एक था, वो इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे शुरू किए थे, अल फला सईद साहब नाम था, वो जब कुर्सी पे बैठते थे तो एक तरफ उनके पास जानिमाज रहता था, 20 से 25 हजार करोड़ का फ्रॉड किए थे, 90s की बात है। इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे दुनिया भर का फ्रॉड होता है, साले तुम लोग ही चोर है, ये देख लो आप पढ़ लो। ठीक है जी, और यहाँ पे आरिफ रजा रिप्रेजेंटेटिव ₹45,000 लॉकडाउन एंड मोर एंड ऑल दैट, वाओ। सो ज़कात को मिसयूज तो ऑब्वियसली मुल्ला करते ही रहते होंगे, तो यस यू आर राइट। नहीं, हमारे ऊपर जो इल्जाम डाल रहे हैं ना कि पैसे खा रहे हैं, एडम पैसे ले रहा है, भैया एडम को पैसों की जरूरत नहीं है, इज वेल क्वालिफाइड एंड वेल सेटल्ड। तुम्हारे जैसे फोकट के मुल्ली मुल्ला या मुफ्तियों को पैसों की जरूरत है, तुम लोग जकात के भिखारी है, जो मुफ्ती जो बैठते ना उनको फोकट की जकात मिल रही है, इस्लाम के नाम पर जो पैसा कमा रहे वो हमको भी पता है, और खास तौर पे हमारे फिरके में तो चार चार जनरेशन से साला इतना पैसा है कि 5 जनरेशन उनका सर्वाइव हो सकता है, 1 रुपये की काम करने की जरूरत नहीं है। वाजिदी साहब पे जब मैंने ये पूछा था हुजूर का सोर्स ऑफ इनकम हिजरत के बाद, तो वहां वहां या किसी वीडियो पे कमेंट पे ईमान वाले चिपक रहे थे कि तुम लोग पैसे के लिए करते हो वो करते हो, तो मैंने कहा ऐसा यार तुम लोग हुजूर का छोड़ो, तुम लोग वाजिदी साहब और हमदर्द का ही बता दो इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो तो टीचिंग करता है, टीचिंग में ऐसा कितना पैसा कमा रहा है भाई। अच्छा देखिए, तमाम मौलवियों को ये लोग देते हैं पैसे, और मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं एज ए मुसलमान यही तालीमात घुमा फिरा के, गोली लगा के, चिकरी चबरी करके, मिठाई लगा के दे रहा होता, तो ये सुपर चैट्स तो 1% भी नहीं बनती। और लिटरली स्पीकिंग, जितनी देर मैं इस स्ट्रीम में रहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा पैसे मैं कमा सकता हूँ अगर मैं स्ट्रीम में रहने के बजाय दूसरे काम करूँ। इट इज़ नथिंग, मेरा मकसद इज डिफरेंट। अगर इन लोगों को आज तक समझ नहीं आ सका तो कोई मसला नहीं, लेकिन बात यह कि यहाँ पे आते हो यार, जो मैं बात रख रहा हूँ उसको रिजेक्ट तो करके दिखाओ ना, उसको रिजेक्ट तो करके दिखाओ ना। हलाल कमाई कमाए सो है, और अच्छे से पैसे हमने, हलाल भी नहीं बोलता मैं तो, आई डोंट वांट टू इवन यूज दैट वर्ड, बट ये लीगल हमने इनकम बनाया है, और अगर आज भी हम जॉब मार्केट में जाएंगे तो हमको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। मुझे बताइए ये जो मौलवी मुफ्ती ये जितने भी जो ये डेढ़ पैजामे वाले है, इनको कौन एम्प्लॉयमेंट देगा, क्या ये एम्प्लॉयड है, क्या इनको कोई कोई कॉल सेंटर की भी नौकरी नहीं देगा कोई इनको? भाई मैं तो इसीलिए हफ्ते में सिर्फ एक चौकीदार भी नहीं रखेगा। हाँ मैं तो हफ्ते में सिर्फ इसीलिए एक स्ट्रीम करता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाने, वरना तो मैं घर नहीं चला सकता। यूट्यूब की स्ट्रीम के ऊपर पैसे थोड़ी कमाए जा सकते हैं, दैट्स स्टुपिडिटी, इनसैनिटी। ठीक है, तो एनीहाउ